आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मोहित खन्ना, प्रीति खन्ना, प्रियंका खन्ना, अमित खन्ना ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर सबके सुखमय जीवन की प्रार्थना की। इस दौरान यज्ञ ब्रह्मा पंडित सुरेश शास्त्री ने मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाकर यज्ञ सम्पन्न करवाया। इस मौके पर भजन गायक सोनू भारती ने प्रभु महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप दिया, जबकि मुख्य वक्ता अश्विनी डोगरा ने अपने विचारों के माध्यम से सबका मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर प्रधान रंजीत आर्य और महामंत्री हर्ष लखनपाल ने आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। इस खन्ना परिवार को इस आर्य समाज की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा आज इस यज्ञ का आयोजन किया और वो भी अपनी पुत्र वधू प्रीति खन्ना और प्रियंका खन्ना जो कि विदेश ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनके जन्म दिवस पर विशेष। प्रियंका खन्ना के माता पिता जी भी आए हैं सेठ साहब, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। इस यज्ञ का आयोजन किया गया, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, किसी इंसान के मन अंदर को रामायण है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पद की गई, महाभारत में लिखा गया, बहुत सारे साहित्य लिखे गए, जिसमें अगर सत्या प्रकाशी बात करें स्वामी जाना ने लिखा, लेकिन वेद जो ईश्वरीय ज्ञान है उसके ही मंत्रों द्वारा भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति संध्या उपासना करते थे, जो मंत्र का पाठ करते हैं। युगों युगों से चल रहा है, जब से सृष्टि बनी है। कई बार बात करते हैं कि ये वेद के मंत्र उस समय जो लेखनी नहीं थी कैसी है, आपको टीचर आपको जब शिक्षा देता है आप क्या करते हैं, जो उसने सुनाया आपने अंदर ग्रहण किया और उसको आगे पाठ दिया, उसी प्रकार जो आकाशवाणी द्वारा ये वेद की वाणी का हुआ, तो उस समय भी चार ऋषि हुए, उसके द्वारा को ज्ञान हुआ, उसके आगे आगे बांटते गए, जब ये लेखनी का कार्य हुआ तब इतना शुरू हो गया। चलने वाला परिवार ही आदर्श परिवार कहलाता है। आज हम देखते हैं कि किस व्यक्ति के पास कितना पैसा है, धन के द्वारा हम व्यक्ति के स्टेट्स को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी संपत्ति के द्वारा, परंतु वास्तविकता यही है कि अगर धन के होते हुए भी हमारा जीवन धार्मिक नहीं है तो उस धन का कोई लाभ नहीं है। धन के द्वारा हम किसी के रहन सहन को तो देख सकते हैं, किसी का पहनावा देख सकते हैं, किसी की बड़ी गाड़ी देख सकते हैं, परंतु धन से हम किसी के व्यक्तित्व का अनुमान नहीं लगा सकते। हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारा आचरण है, हमारा व्यवहार है और हमारे कर्म है। तो जब हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व बन जाता है, ऐसा हमारा व्यवहार हो जाता है, ऐसा हमारा आचरण बनता है, जिससे हमारा समाज में यश और कीर्ति फैलती है।